Hey everyone, welcome to Shom's IS. I am Shivangi Sharma, and here we are gonna start our very first chapter of class 11th history. So till now we have completed our 6th, 7th, 8th, 9th and 10th histories. Okay, we have completed 5 classes, and here is the 6th one, which is class 11th. Okay, so and this is the very first chapter, and the name of the very first chapter is Writing and City Life. सो एज द नेम सजेस्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं राइटिंग्स कि लिखना कहाँ से शुरू हुआ और सिटी लाइफ और राइटिंग्स का क्या क्या आपस में रिलेशन है. ठीक है, प्लीज़ देखो जब बिल्कुल शुरू में ह्यूमंस आए होंगे उसी टाइम से तो नहीं लिखना शुरू कर दिया होगा. ठीक है, राइट, मतलब ऊपर से कि हाँ ये सब कुछ होता चलो लिखना शुरू करो, ऐसा नहीं होता. राइट, सो ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि हम लोगों ने लिखना शुरू करा, और जो चीज़ें हम आज लिखते हैं और जो चीज़ें उस टाइम लिखी जाती थी वो सेम थी, वैसे ही लेटर्स थे, ऐसा ही सब कुछ था कि नहीं था, क्या क्या चेंजेस थे, और अब जो हम लिखते हैं और जो पहले लिखा जाता था उसमें कितना डिफरेंस है. राइट, सो ये सब कुछ हम इसी चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो डोंट गेट वरीड अबाउट इट. सो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. सो सिटी लाइफ शुरू हुई मेसोपोटामिया में. ठीक है, सो मेसोपोटामिया एक जगह है बिटवीन टू रिवर्स, एंड द नेम ऑफ द रिवर्स आर यूफ्रेट्स एंड टिग्रस. ठीक है, सो दिस इज रिवर यूफ्रेट्स एंड दिस इज टिग्रस. ठीक है, सो इन दो रिवर के बीच में ये जो जगह थी इसी जगह का नाम था मेसोपोटामिया. ओके, सो आज के टाइम पे मेसोपोटामिया इराक, रिपब्लिक ऑफ इराक में है. ठीक है, रिपब्लिक ऑफ इराक का एक पार्ट है. सो जो नाम है जगह का मेसोपोटामिया, ये थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि ये कैसा नाम है. राइट, सो इसी नाम को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं और आपको समझ आ जाएगा कि इसका नाम मेसोपोटामिया क्यों पड़ा है. बिकॉज ये जो नाम है ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, और वो जो ग्रीक वर्ड्स है वो है मिजोस और पोटामोस. ठीक है, सो मिजोस का मतलब होता है मिडल, यानी कि बीच में, और पोटामोस होता है रिवर. ठीक है, सो रिवर की बीच में जो जगह है वो डैट इज मेसोपोटामिया. ठीक है, इतना लॉजिकल नाम था इसका कि दो रिवर के बीच में जगह है, सो इसका नाम मेसोपोटामिया हमने रख दिया. ठीक है, सो जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी वो ना काफ़ी फेमस थी, काफ़ी वेल नोन थी, एक चीज़ के लिए नहीं, देवर फैक्टर ऑफ थिंग्स जिस चीज़ के लिए ये फेमस थी. ठीक है, उसमें से बिकॉज इट वॉज वेरी प्रॉस्पेरस. ठीक है, सबसे पहले तो इसकी प्रॉस्पेरिटी वॉज द रीज़न बिहाइंड इट्स पॉपुलैरिटी, बिकॉज ये जगह काफ़ी प्रॉस्पेरस थी. ठीक है, और इसकी सिटी लाइफ उस टाइम पे सिटी लाइफ इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी, मतलब हर एक जगह पे सिटी लाइफ नहीं हुआ करती थी, लोग बेसिकली एग्रीकल्चर पे और मतलब रूरल एरिया में ही हुआ करते थे, बट इधर पे अर्बनाइजेशन हो चुका था, सो डैट इज़ वाई दिस प्लेस वॉज फेमस. ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग वॉज द इट्स वॉल्यूमिनस एंड रिच लिटरेचर. सो लिटरेचर क्या होता है हम लोगों को ऑलरेडी पता है, और वॉल्यूमिनस एंड रिच, सो रिच लिटरेचर मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास लिटरेचर था, रिच था अमाउंट में. ठीक है, और वॉल्यूमिनस था मतलब जैसे आपने देखो होगा बुक्स आती हैं, अगर आपकी स्कूल की भी बुक्स होती है तो कुछ कुछ बुक्स ऐसी आती है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3. राइट, सो वैसे ही मतलब इट वॉज रिच इन वॉल्यूम्स एंड रिच इन लाइक द लिटरेचर वॉज वॉल्यूमिनस एंड रिच. ठीक है, और उसके बाद जो 10th तक का आपका जानी दुश्मन रह चुका था मैथ्स, मैथ्स भी यानी कि मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भी मेसोपोटामिया है उधर ही, मतलब मेसोपोटामिया के लोगों ने ही मैथ को इंट्रोड्यूस करवाया था, और एस्ट्रोनॉमी. ठीक है, बिकॉज एस्ट्रोनॉमी कहीं ना कहीं मैथ की एक ब्रांच है, सो इट वॉज लाइक वेरी फेमस इन मेसोपोटामिया. ठीक है, सो मेसोपोटामिया की जो लैंड थी, ठीक है, वो अगर हम साउथ की तरफ डिस्कस करें तो साउथ की तरफ में इट वॉज लाइक वेल अर्बनाइज, मतलब अच्छा सा मार्केट था, सिटी था उधर पर. ठीक है, एंड द नेम ऑफ द प्लेसेस वॉज सुमेर एंड अक्कड. ठीक है, दीज वर द टू प्लेसेस, बट 2000 BCE के बाद, BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा. ठीक है, सो 2000 BCE के बाद जो बेबिलोन है, बेबिलोन इज द प्लेस जो कि मेसोपोटामिया में ही है. ठीक है, सो इट वॉज ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी बन गई आफ्टर 2000 BCE, एंड जब इतना ज़्यादा फेमस बेबिलोन हो गया, सो जो पूरा साउथ था
ठीक है, जहाँ पे सुमेर और रक्कड़ जैसी जगहें थी, वो पूरा साउथ, ठीक है, पूरे के पूरे साउथ को जो है वो बेबीलोनिया बोलने लग गए, ठीक है। सो अगर आप कंफ्यूज है कि मैंने अभी क्या बोला, सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे इंडिया है, इंडिया के साउथ में काफ़ी जगहें हैं, राइट, जैसे तमिलनाडु, केरला। सो मान लो कोई भी एक ऐसी जगह, मान लो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है कि पूरे के पूरे साउथ को हमने कन्याकुमारी का ही नाम दे दिया, ठीक है। ये कुछ इस तरह से था, बिकॉज बेबीलोन काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था उस टाइम पे, सो पूरे के पूरे साउथ को जो है वो बेबीलोनिया का नाम दे दिया गया, ठीक है। सो 1100 BCE के बाद अगर हम नॉर्थ की तरफ देखें, जो अशायरेंस थे, ठीक है, उन्होंने भी किंगडम एस्टेब्लिश करना शुरू करा, ठीक है। रीजन, बिकॉज असायरियंस थे जिन्होंने अपना यहाँ पे मतलब किंगडम एस्टेब्लिश कर दिया था, सो नॉर्थ को उस टाइम पे असायरिया बोलने लग गए थे, ठीक है। और वहाँ पर राज तो असीरियंस राज कर रहे थे, बट द लैंग्वेजेस डैट वर सीन, डैट वर स्पोकन एट द टाइम एंड द लैंड वॉज सुमेरियन, ठीक है, सुमेरियन। और धीरे 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 अक्काडियन भी आ गया था, ठीक है, अराउंड 24 BCE, ठीक है। हाँ, अकाडियन कब आया था, 24 BCE के अराउंड आ गया था, ठीक है, अलेक्जेंडर का टाइम था, ठीक है। जब जो अकाडियन लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा फ्लरिश हुई थी जब अलेक्जेंडर का टाइम चल रहा था, विच वॉज 3036 टू 3022 बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। सो 1400 BCE से जो अरबिक, सॉरी जो अरामाइक थी, वो भी मतलब ट्रिकल होने लगी। ये सारे लैंग्वेजेस थी, ये मतलब हेब्रू लैंग्वेज के सिमिलर थी वैसे, ठीक है। और मतलब 1000 BCE आते आते ये जो है काफ़ी ज़्यादा वाइडली स्पोकन हो गई थी, ठीक है। और अभी भी इराक की कुछ जगहों पे ये लैंग्वेजेस बोली जाती है, ठीक है। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी क्या होता है, आई होप आप लोगों को पता होगा आर्कियोलॉजी, बिकॉज काफ़ी कॉमन टर्म हो गया है। वी आर डिस्कसिंग हिस्ट्री फ्रॉम क्लास सिक्स, सो हमने आर्कियोलॉजी वर्ड डिस्कस करा है, बट स्टिल आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, जो आर्कियोलॉजी होती है दैट इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री द एंशियंट टाइम। और जो इस आर्कियोलॉजी को स्टडी करते हैं उनको बोला जाता है आर्कियोलॉजिस्ट, ओके, ठीक है। सो मेसोपोटामिया की जो आर्कियोलॉजी शुरू करी वो 1840s के बाद लोगों ने शुरू करी, ठीक है। और उसमें से मतलब दो साइट्स थी जो कि सबसे मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो स्टडी की, डेट वर उरुक एंड मारी, ठीक है। सो हमने यहाँ पर सिर्फ मेसोपोटामियम बिल्डिंग्स को, स्टैचूज को, ऑर्नामेंट्स को, टूल्स को इन्हें डिस्कस करा, बट काफ़ी सारे ऐसे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी वजह से हमें नॉलेज पता चली, ठीक है। देखो, जब भी आर्कियोलॉजी होती है, यानी कि जब भी किसी पास्ट के बारे में स्टडी की जाती है, सो ऑफकोर्स इतने सालों से कोई आदमी तो जिंदा नहीं होगा ना जो बताएगा कि रुको रुको मैं बताता हूँ कि उस टाइम पर उरुक और मारी में क्या हुआ करता था, ऐसा नहीं होता है, राइट। सो जब आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं तो जब पुरानी बिल्डिंग्स होती है, स्टैचूज होते हैं, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, किस तरह से लोग गहने पहना करते थे, ग्रेव्स कैसी होती थी, टूल्स क्या होते थे, सोर्सेज कैसे कैसे हुआ करते थे, और क्या क्या रिटर्न डॉक्यूमेंट्स थे, उन चीज़ों की मदद से हमें पता चलता है कि हाँ, पुराने टाइम पे चीज़ें ऐसी हुआ करती थी, राइट। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं आज के टाइम पे कि ये सब कुछ हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसी टाइम से कोई पोर्शन है जिंदा कि हाँ मैं आपको बताता हूँ मैं जिंदा था, मैंने सब कुछ देखा, ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा नहीं होता है, राइट। हम आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी करा पुरानी चीज़ें, तब हमें चीज़ें पता चली, ओके। सो जो मेसोपोटामिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था यूरोपियंस के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स ओल्ड टेस्टामेंट। देखो, फर्स्ट पार्ट ऑफ द बाइबल, देखो जो बाइबल है, बाइबल इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस, राइट। सो बाइबल का जो फर्स्ट पार्ट है वो मेसोपोटामिया में ही बनाया गया था, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लें, द बुक ऑफ जेनेसिस ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट रेफर्स टू शिमार, मीनिंग सुमेर। देखो, जब पुराना है द बुक ऑफ जेनेसिस, ठीक है, उधर पे वो एक ओल्ड टेस्टामेंट है जो कि रेफर करता है एक वर्ड, एक जगह का वो नाम लेता है जिसका नाम है शिमार, ठीक है।
जिसका मतलब होता है सुमेर। सो सुमेर कहाँ थी? सुमेर तो एक जगह थी, कहाँ पर? मिजोपोटामिया में, ठीक है। सो इसकी वजह से जो यूरोपियंस थे वो भी कहीं ना कहीं मिजोपोटामिया से कनेक्टेड थे और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका था यूरोपियंस के लिए, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवलर्स स्कॉलर्स यूरोप से आए और उन्होंने मिजोपोटामिया को देखा बिकॉज वो एंसेस्ट्रल लैंड थी लोगों के लिए। बिकॉज जो बाइबल है उधर इन चीज़ों इन जगहों के बारे में डिस्कशन किया गया है, उनका बारे में बोला गया है, ठीक है। जैसे आज है, आज अगर हम इंडिया में देखें तो हम रामायण पढ़ते हैं, हम महाभारत पढ़ते हैं, तो कुछ एक ऐसी जगहें हैं जैसे कुरुक्षेत्र, अयोध्या, ये सारी जगहें हमने पढ़ी हैं, राइट। और हम अलग अलग इंडिया के अलग अलग कोनों में लोग ये जगह इतनी सारी इतनी ज़्यादा फेमस है बिकॉज हमारी जो होली बुक्स हैं वहाँ पर इन चीज़ों का हमें रेफरेंस मिलता है कि इस जगह पर ये हुआ था, इस जगह पर ये हुआ था, राइट। सो वैसे ही वो जगह हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, सेम गोज फॉर हेयर, ओके। सो उसी तरीके से जो आर्कियोलॉजिकल वर्क है वो इन जगह पर शुरू हुआ, ठीक है। सो ये अटेम्प्ट इसलिए हुआ बिकॉज जो ओल्ड टेस्टामेंट्स थे, जो ओल्ड किताबें थी, जो ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, उधर इन चीज़ों का जो है मतलब डिस्कशन किया गया था और वो एक लिटरल तुथ बताते थे। सो आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा कि ये जो चीज़ें इधर लिखी है ये सच है कि नहीं है, इसीलिए लोगों ने आर्कियोलॉजिस्ट ने इनके बारे में स्टडी करी, हमें पता चला और हमें पता चला कि जो पहली सिटी थी वो मिजोपोटामिया ही थी और इतने सारे मिजोपोटामिया में काफ़ी मतलब इतना रिच लिटरेचर था। सो उस लिटरेचर से आज जब डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज पढ़ते हैं, पोइट्स पढ़ते हैं, वो सारे क्या, वो सारे लिटरेचर का ही तो पार्ट है, राइट। सो इतने सारे लिटरेचर है, उनमें से काफ़ी लिटरेचर ऐसा हो सकता है कि आपने जो पोइम्स पढ़ी हो, जो भी स्टोरीज पढ़ी हो, कहीं ना कहीं मिजोपोटामिया के जो रिच लिटरेचर है वहाँ से निकल करके आई हो, राइट। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैथ्स जो कि आज के टाइम पे कंपल्सरी है, राइट, इंडिया में कि मैथ पढ़ना ही है टिल टेंथ। सो दैट इज़ वाई कि मैथ कहाँ से आया, मैथ मिजोपोटामिया से आया, आर्कियोलॉजी कहाँ से आई है सब कुछ मतलब, ठीक है। सो इसीलिए मिजोपोटामिया जो है दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास है मैप। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टिग्रिस जा रही है, रिवर टिग्रिस, और यहाँ पर है रिवर यूफ्रेट्स, ठीक है। सो यहाँ से टिग्रिस जा रही है, यहाँ से यूफ्रेट्स जा रही है, और ये जो बीच वाला जगह है यही जगह है, कौन सी जगह है, ये जगह है मिजोपोटामिया। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उरुक है, यहाँ पर मारी है, इधर बेबिलन है, ठीक है। सो ऐसे ऐसे चीज़ें था, इधर बेबिलन था, बेबिलन काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया और पूरा ये जो साउथ था इस पूरे को बेबिलन बोलने लग गए, इधर उरुक है, इधर मारी है, ठीक है। सो अब तो आपने मैप भी देख लिया, सो अब आपको क्लियर हो गई होगी चीज़ें, ठीक है। हाँ देखो, बाइबल के अकॉर्डिंग जब फ्लड क्यों बना, फ्लड इसीलिए था ताकि वो अर्थ के पूरे लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकें, ठीक है। हाउएवर गॉड ने चूज़ करा एक मैन जो कि इंश्योर करेगा कि फ्लड के बाद भी, जब बाढ़ आ जाएगी उसके बाद भी लाइफ कंटिन्यू हो, ठीक है। उन्होंने एक ह्यूज बोट बनाई, एक आर्क बनाई, ठीक है, और उन्होंने हर एक एनिमल, हर एक बर्ड का एक मतलब एक वो लिया, पेयर लिया, एक मेल एक फीमेल, हर एक उस एक पर्सन ने, हर एक एनिमल हर एक बर्ड का उन्होंने उस बोट में बनाया, उनको चढ़ाया और उन्होंने सरवाइव करा फ्लड से, ठीक है। जब फ्लड आया था पुराने टाइम पे, ऐसा बाइबल बोलती है, ठीक है। सो वैसे ही एक स्ट्राइकिंगली सिमिलर स्टोरी है मिजोपोटामियन ट्रेडिशन की, जहाँ पे एक प्रिंसिपल करेक्टर है जिनका नाम है जियो सूद्रा या फिर उताना पिश्टिम, ठीक है। सो यहाँ पर बाइबल जिस जिस नाम को जो एक पर्सन बोल रही है कि हाँ ये एक पर्सन था, वहीं पर जब मिजोपोटामियन ट्रेडिशन है उधर पर ऐसा एक कैरेक्टर है कि हाँ जियो सूद्रा उस टाइम पे उन्होंने फ्लड आने के बाद ऐसा ऐसा उन्होंने करा और उन्होंने बचाया, ठीक है, सब उन सभी को। सो इसी की वजह से बाइबल और जो मिजोपोटामिया है वो ऐसे मतलब काफ़ी कनेक्टेड है, ठीक है। सो मिजोपोटामिया और उसकी जियोग्राफी, जियोग्राफी क्या है मतलब उसकी लोकेशन, वो क्या है, वहाँ का फ्लोरा फोना, सब कुछ हम यहाँ पे इस वाले टॉपिक में हम देखते हैं, ठीक है। सो देखो, इराक में काफ़ी डाइवर्स एनवायरनमेंट है, ठीक है। उसका जो नॉर्थ ईस्ट है वो मतलब ग्रीन
ग्रीन प्लेन्स में है, मतलब बहुत ही बड़े बड़े वहाँ पे पेड़ है, जगह प्लेन है, बट मतलब यहाँ पे आप ना वो देखो कितना डाइवर्स एनवायरनमेंट है एक ही उसके एक ही मतलब इराक के अंदर ही अंदर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में क्या है, बहुत प्लेन इलाका प्लेन है बट ट्रीज है, ठीक है। वो ट्रीज माउंटेन रेंजेस से कवर्ड है, ठीक है। मतलब यहाँ पर प्लेन है, अगर आप सामने देखोगे तो सामने आपको पहाड़ दिख रहे हैं कि हाँ आगे पहाड़ है, ठीक है। स्ट्रीम्स है, वाइल्ड फ्लावर्स है, ठीक है। एनुअल रेनफॉल होती है और क्रॉप्स जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो होती है, ठीक है। और देखो जिस भी जगह पे एग्रीकल्चर होता है, मतलब सॉरी किसी भी जगह पे बारिश होती है, ट्रीज होते हैं, उधर एग्रीकल्चर अपने आप जो है वो पैदा हो जाता है, लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। सो नॉर्थ ईस्ट से अगर हम थोड़ा वेस्ट की तरफ आए, यानी कि नॉर्थ की तरफ आए, तो वहाँ पर एक स्ट्रेच ऑफ अपलैंड है, मतलब ऊंची जगहें हैं, ठीक है, जिनको स्टेप बोलते हैं, जैसे ठीक है वहाँ पे लोग एनिमल हर्डिंग करते हैं, यानी कि जानवरों को पालते हैं, और एग्रीकल्चर ही उनका जो है मतलब लिवलीहुड जो है लोगों का वो एग्रीकल्चर से ज़्यादा एनिमल हर्डिंग पर डिपेंडेंट है, ठीक है। जब बारिश आती है तो जो शीप्स हैं और जो भी गोट्स हैं वो मतलब घास खाती हैं, लो श्रब्स खाती हैं, ठीक है। और अगर हम ईस्ट की तरफ आए, ठीक है, तो उधर है टिग्रिस, जो टिग्रिस रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और जो कि ईरान के माउंटेन्स है वहाँ से मतलब वो ज्वाइन होती है, ठीक है। और मतलब टिग्रिस जो है वो रूट्स प्रोवाइड करती है, मतलब रास्ते प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो माउंटेन्स है और जो ट्रिब्यूटरीज है वो कम्युनिकेट कर सकती है, वो कनेक्ट होती है, ठीक है। और अगर हम साउथ की तरफ आए, यानी कि नीचे वाली तरफ आए, तो उधर है डेजर्ट्स, ठीक है। अभी ऊपर की तरफ हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ में इतना घास है, हरा भरा है, नॉर्थ की तरफ में बारिश होती है, ठीक है। और इधर थोड़ा ईस्ट की तरफ में अगर हम देखें तो उधर पर रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, बट साउथ की तरफ में क्या है, डिजर्ट है। सो कितना वाइड कितना डाइवर्स एनवायरनमेंट है, ठीक है। डेजर्ट में जो है वो पहली सिटीज एमर्ज हुई, राइटिंग लिखना इधर पर एमर्ज हुआ, ठीक है। डेजर्ट्स जो है ना वो सिटीज़ को सपोर्ट कर सकते थे, बिकॉज जो यूफ्रेट्स और टिग्रिस की जो रिवर्स है ना वो नॉर्दर्न माउंटेन से राइज होती थी, और वो ना फाइन स्लेट लेकर आती थी, मतलब सिल्ट लेकर आती थी, यानी कि फाइन अच्छी मिट्टी लेकर आती थी, जैसे जो क्ले वाली मिट्टी होती है ना। सो मतलब नॉर्थ से जब बारिश आती थी नॉर्दर्न माउंटेन से, तो वो एक अच्छा सा मतलब वो लेकर आता था, क्ले लेकर आती थी, और जो भी नॉर्थ मतलब जो भी वो मतलब डेजर्ट्स थे वो फिर आके जो है सिटीज़ को सपोर्ट करते थे, ठीक है। और जब वो बहती थी तो पानी के साथ साथ वो फील्ड्स पर भी आ जाती थी, और जो फर्टाइल सिल्ट है वो डिपॉजिट हो जाती थी, मतलब जो मिट्टी फाइन मड लेकर आती थी वो मतलब जब बारिश या फ्लड आता था तो वो फील्ड पर बैठ जाती थी, और जो सिल्ट थी मतलब जो कि अच्छी मिट्टी थी वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती थी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक वो है नेचर, नेचर नहीं एनवायरनमेंट, ठीक है। ये वाला जोन है जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये हैं हमारे माउंटेन रीजन्स जो भी ऐसे आपको वहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। ये माउंटेन रीजन्स को दिखा रहे हैं, और ये वाली जो लाइन है ये सदर्न लिमिट जोन ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर को डिवाइड करने के लिए है, ठीक है। और जब यूफ्रेट्स डेजर्ट की तरफ आती थी तब वाटर इस तरह से फ्लो होता था कि वो छोटे छोटे चैनल्स बना दिया करता था, ठीक है। तो वो जो चैनल्स थे उसके बाद वो उनके बैंक्स में जो है उसकी वजह से फ्लड आ जाया करता था, ठीक है। तब लोगों ने सोचा कि हाँ ये जो तरीका है इससे हम इरिगेशन कैनाल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उस वाटर को उस टाइम पे वीट, बार्ली, पीस और जो लेंटल्स है वो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी थे, बिकॉज लोग वही खाया करते थे। वहाँ पर उन्होंने उसको मतलब पानी उधर तक ले जाने के लिए छोड़ दिया, और पानी वहाँ ज़्यादा था, ठीक है। और उनकी जो है सिंचाई भी हो जाती थी, ठीक है। सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए, सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, जो मेसोपोटामियम थे वो शीप्स को और गोट्स को भी ग्रेस किया करते थे, ठीक है। तो जो जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स थे और जो माउंटेन स्लोप्स थे उधर पर बेसिकली, बिकॉज वहाँ पर ना जो भी जानवर पालते हैं उनसे उनको मीट मिलता है, मिल्क मिलता है, वूल मिलता है, और उसके अलावा फ़िश भी होती है, ठीक है। तो फ़िश को भी वो मतलब रिवर है तो रिवर में वो उनको पकड़ लेते हैं फिशेस को। और जो डेट पाम है, डेट पाम्स के फ्रूट मिल जाते हैं बेसिकली इन समर्स, ठीक है।
द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म, ठीक है। बेसिकली देखो, जो मिजोपोटामिया था ना उस टाइम, वहाँ पर उसको ना ब्रोंज एज बोला जाता था, बिकॉज मतलब 3000 BCE के टाइम पर, बेसिकली उसी टाइम पर जो ब्रोंज था वो एक मतलब एक अलॉय था कॉपर और टिन का। सो ब्रोंज का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था उस टाइम पे मेटल्स बनाने के लिए, और मतलब मेटल टूल नेसेसरी हुआ करते थे उस टाइम पे। फिर ड्रिलिंग बीट्स, ये सारी चीज़ें जो उस टाइम में इसकी ब्रोंज की मदद से ही की जाती थी, ठीक है। देखो सिटीज़ और टाउन्स सिर्फ वो जगह नहीं होती जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन होती है, ऐसा नहीं होता कि ठीक है यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन है तो इसको हमने, आज से हम इसको सिटी बोल देंगे बिकॉज इसके पास लार्ज पॉपुलेशन है, ऐसा नहीं होता है। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, मतलब फूड प्रोडक्शन के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम किसी टाउन को टाउन बोलते हैं, ठीक है। अर्बन इकोनॉमीज होनी चाहिए, फूड प्रोडक्शन के अलावा ट्रेड होना चाहिए। अगर ट्रेड होता है तभी तो वो सिटी होगी, जहाँ पर ट्रेड नहीं होता है वो सिटी कैसे हो सकती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स होने चाहिए, सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए, तभी उसको हम सिटी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो सिटी पीपल जो थे वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, बेसिकली वो दूसरों पे डिपेंडेंट थे अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, मतलब ना एक कॉन्टीन्यूस इंट्रैक्शन रहता ही था सिटी और विलेजेस, मतलब कहाँ के भी लोगों, बट एक कॉन्टीन्यूस इंट्रैक्शन रहता था। बिकॉज देखो जो क्रेवर होते थे स्टोन के, उनको ब्रॉन्ज की टूल की ज़रूरत होती थी, तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो खुद मतलब बहुत सारा ब्रॉन्ज लेके आए कि चलो चलो बनाते बनाते बनाते, ऐसा नहीं होता है, राइट। सो वो ब्रॉन्ज जो भी उनको मतलब उन कलर स्टोन्स चाहिए सील्स करने के लिए, उनको ये सब कुछ नहीं पता होता है, राइट। सो वो किसी और पर्सन के पास जाएंगे, वहाँ से वो अपना मेटल और अपना वो सब कुछ लेकर आएंगे। अब वो मेटल बनाने वाला खुद तो नहीं मेटल बनाता है, राइट। सो उसको मतलब रेगुलर सप्लाई चाहिए चारकोल और फ्यूल का, ताकि वो उसको प्रोवाइड कर सके, ठीक है। और उसके लिए डिवीजन ऑफ लेबर चाहिए, इसीलिए जो है वो मतलब अर्बनाइज आपस में जो है कहीं ना कहीं कनेक्टेड थी, ठीक है, इंटरकनेक्टेड थी। सो फर्दर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन था जगह पे, ठीक है, जैसे फ्यूल मेटल वेरियस स्टोन और वुड से ही पूरी मतलब सिटी मैन्युफैक्चर के अलग अलग लोगों के पास हुआ करता था। इसलिए जो ऑर्गेनाइज ट्रेड और स्टोरेज ज़रूरी थी, मतलब ऑर्गेनाइज ट्रेड होना चाहिए सबसे पहले तो, ऑर्गेनाइज ट्रेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका ट्रेड ऑर्गेनाइज ही नहीं है तो आप कोई भी चीज़ कैसे बनाओगे, और आपके पास स्टोरेज ही नहीं है, ठीक है। वही मान लो आप बेकरी के पर्सन हो, आप बोलते हो ठीक है मैं बेकरी बनाता, आपने ले आपने बोला कि ले आओ तुम 50 किलो मैदा ले आओ, 50 किलो मैदा ला के तुम उसको रखोगे कहाँ, तुम्हें स्टोरेज तो चाहिए, ऐसी जगह चाहिए ना जहाँ पे उसको कीड़े ना लगे, जहाँ पे उसमें मॉइस्चर ना लगे, जहाँ पे मैदा ख़राब ना हो। सो स्टोरेज तो चाहिए, और मान लो आपका जो भी सप्लायर है जो आपको मैदा ला के देता है वो मना कर दे कि नहीं मैं नहीं दे रहा तुम्हें, एक ऑर्गेनाइज ट्रेड तो चाहिए, तुम्हारे पास कम्युनिकेशन वही नहीं है, ट्रांसपोर्ट कहाँ से ले जाओगे, कैसे पहुँचाओगे, ये सब कुछ ऑर्गेनाइज ट्रेड का पार्ट है, राइट। सो इसके अलावा काफ़ी डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी साथ साथ में कोऑर्डिनेट हुई, जैसे स्टोन्स के अलावा जो पोर्ट्स थे, पोर्ट्स भी मतलब डिफरेंट सुंदर सुंदर पोर्ट्स बनने शुरू हो गए उस टाइम पे, ठीक है। सो ऑब्वियसली जब ऐसा सिस्टम था तो एक पर्सन ऐसा था जो कमांड देता था, और अदर्स थे जो ओबे करते थे कि हाँ। जो अर्बन इकोनॉमीज थी, देखो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी रिटर्न रिकॉर्ड की, बिकॉज रिटर्न रिकॉर्ड तो चाहिए, क्योंकि अब जब इकोनॉमीज आ जाती है ना, स्पेशली अर्बन इकोनॉमीज, तब तो तुम्हें कहीं ना कहीं चीज़ें रिकॉर्ड करनी है ना कि हाँ मुझे मेरे पास इतना सामान है, मुझे इतना और चाहिए, मेरे को इतना सामान उसने दे दिया, इतना सामान मुझे इतने का पड़ा, इतना चीज़ें देना है, इतना उधार है, ये सब कुछ आप कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो करते हो ना। आज जब दुकानों में जाके ऐसा बोलते हो कि भाई ये दे दे मेरे खाते में लिख दियो, वो खाता अभी तो लिखते हो ना कहीं से, रिकॉर्ड तो करते हो ना कि हाँ वो जो दुकान वाला है उसने भी इतने सारे खाते खोल के रखे हैं कि हाँ इसका इतना उधार है, इस पर्सन का इतना उधार है, इस पर्सन का इतना उधार है, वो लिखा हुआ होता है ना, राइट। सो उसी के लिए रिटर्न रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट हो गया था। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे अब इन चीज़ों से। यहाँ पे देखो हमारे पास है वर्क हेड, द वुमेन्स हेड, यानी कि आंटी की मुंडी, जस्ट किडिंग, मतलब वुमेन्स हेड। सो बेसिकली ये ना वाइट मार्बल से बनाया गया था उरुक में बिफोर 3000 BCE। सो देखो जो उनकी आंखें और उनकी जो आईब्रोज थी ना, वो लैपिस लजोली से बनी हुई थी। यहाँ पे देखो इनके आईब्रोज,
यूनिब्रो बनाई है, ठीक है, यूनिब्रो है इनकी, और इनकी आंखें ये ना लपिस लजूली से बनी हुई थी, और जो शेल थे आर्न बिटोमिन, और बेसिकली ये तीनों ही इतने मतलब इतने ये ऐसे मेटल्स थे जिनको जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हुआ करते थे और काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस थे ये, ठीक है। सो ये जो आंटी जी की मुंडी है, मतलब जो वुमेंस हेड है, ये काफ़ी फेमस हो गया था, ठीक है। फिर इनके जो माउथ है, इनका चीक्स है, इनके चिन है, इनकी जो मॉडलिंग करी थी ना, ये तो अभी देखो काफ़ी पुराना हो गया, सो इसमें काफ़ी टूट मतलब टूट गया नाक। देखो आंटी जी की नाक कट चुकी है, आंटी सुर्पनखा बन चुकी हैं। सो उस टाइम पे इतने अच्छे तरीके से उसको शेप करा हुआ था, इतना प्यारा वो लगता था कि उसको मतलब उसको इतने मतलब काफ़ी लोगों ने उसको एडमायर करा था, बिकॉज उन्होंने एक वुमेन को इतना प्यारा फेस दिया था कि मतलब जो कि काफ़ी अच्छा लगता था, ठीक है। और इतने हार्ट स्टोन पे लोगों ने मॉडलिंग करी थी, सो मतलब इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब एडमायर किया जा रहा था, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया अभी तक, मैंने आपको बताया कि लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट थे, लोगों को चीज़ें चाहिए होती थी, लोगों के पास सारी चीज़ें नहीं होती थी, लोग ट्रेड किया करते थे और लोग एक दूसरे को चीज़ें प्रोवाइड करवाते थे। करवाते कैसे थे, अब ऐसा तो है नहीं कोई 100 किलोमीटर दूर से, 100 किलोमीटर दूर कोई चीज़ भिजवाएगा तो कबूतर के पैर में बांध के भिजवाएगा कि जा 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 कबूतर जा दे दे उसे, ऐसा नहीं होता है, राइट। सो ऑफकोर्स उस टाइम पे कैसे मूवमेंट हुई गुड्स की सिटीज़ में, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिटीज़ में मूवमेंट कैसा हुआ। सो चलो वही पढ़ते हैं। जैसे हमने अभी बताया आपको कि जो मेसोपोटामिया है वो काफ़ी मतलब फूड रिसोर्स में तो काफ़ी रिच था, उनके पास बहुत सारा फूड था, ठीक है, बट मिनरल रिसोर्सेज काफ़ी कम थे, और स्टोन्स में तो मतलब साउथ जो है स्टोन्स के मामले में लैक कर जाता था, चाहे वो स्टोन हो, सील्स हो और ज्वेल्स हो, ठीक है। सो जो चीज़ें आपके पास नहीं होती आपके घर, आप उनको इम्पोर्ट करवाते हो, राइट। और जैसे कि आपको पता है कि मेसोपोटामिया वो दो रिवर्स के बीच की जगह थी, सो उस टाइम पे जो लोगों ने कार्ट व्हील के साथ साथ, बट देखो ना कार्ट्स इनफ नहीं थी, तो लोगों ने बोट बनानी शुरू करी, और बोट से जो है वो मेटल्स को, ऑर्नामेंट्स को, वेसल्स को उन्होंने ट्रांसपोर्ट करना शुरू करा, ठीक है। जो मेसोपोटामियंस थे उन्होंने टेक्सटाइल हो गए, फिर वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट स्टोन्स टर्की और ईरान से उन्होंने लाना शुरू करा अक्रॉस द गल्फ, ठीक है। सो इतना क्राफ्ट, ट्रेड और सर्विसेज के अलावा ये जो एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट था ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अर्बन डेवलपमेंट में, बिकॉज अगर कोई भी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो जैसे एनिमल फीड है, अगर उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ऑफकोर्स उनको तो चाहिए ही चाहिए ना, क्या भी करे कैसे भी करे। सो देखो जो सिटी इकोनॉमी थी ना वो वायबल नहीं थी, बिकॉज वहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन थी ना वो काफ़ी मतलब कम क्वालिटी थी, चीप कॉस्ट थी, मतलब इतना अच्छे क्वालिटी के ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे नहीं हुआ करता था। इसके पीछे का रीज़न ये भी है कि जो गलियाँ थी ना वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी मतलब नैरो गलियाँ थी, खुली खुली गलियाँ नहीं थी, तो लोगों को ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत आती थी, तो लोगों ने बोला कि क्यों ना हम वाटर से ट्रांसपोर्ट करें। सो वाटर से ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया था, और कुछ एक चीज़ें थी जो कि एनिमल लोड किया करते थे, कुछ एक कहीं जाके ऐसी चीज़ें अभी भी थी, ठीक है। सो जब यूफ्रेट्स रिवर का अगर हम देखें कि मारी जैसी जगहों पे जो यूफ्रेट्स रिवर है ना उसका वर्ल्ड रोड काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया था और इम्पोर्टेंस हो गई थी, हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, अब लिखना कैसे शुरू किया लोगों ने, आप लोगों को क्यों लगा कि यार लिखना भी तो पड़ेगा बोल के सुन के बहुत हो गया, चलो अब लिखो। सो लिखने में क्या, क्यों, कैसे हुआ, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं। देखो हर एक सोसाइटी, अगर हम इंडिया की बात करें, जब भी ऐसा कुछ आता है ना कि हर एक सोसाइटी या डाइवर्सिफिकेशन, सो हमारी इंडिया का बेस्ट एग्जांपल होता है, ठीक है। तो देखो हर एक सोसाइटी अपनी लैंग्वेजेस बोलती है, और हर एक वर्ड का, हर एक साउंड जो वो निकालते हैं अपने मुंह से उसका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, एज सिंपल एज डैट। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, सो अगर हम गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें, सो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्रियन में जो वो साउंड्स निकालते हैं, साउंड निकालते हैं, बिकॉज देखो अगर आपको कोई वर्ड
बोलना है तो आप बेसिकली एक पर्टिकुलर साउंड निकालोगे अपने मुंह से, तो आप जो साउंड निकाल रहे हो और वो किस तरीके से बोल रहे हो उसका मतलब कुछ और है। और अगर आप गुजरात में जाओ, अगर जो लोग गुजराती बोलते हैं वो जो वर्ड्स निकालते हैं, वो जो साउंड को अरेंज करते हैं, उसका मतलब कुछ और होता है, एंड दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, देखो लिखना भी वर्बल कम्युनिकेशन है बट डिफरेंट तरीके से। देखो, बिकॉज जो हम साउंड बोलते हैं उनको एक रिप्रेजेंटेशन देना, कि जैसे हम बोलते हैं कि एप्पल, अब एप्पल को ऐसे लिखना है, ये चीज़ है कि एप्पल की ऐसे लिखना है, ये एप्पल की रिप्रेजेंटेशन है इन अ रिटन फॉर्म। ठीक है, सो लोगों ने साउंड्स को रिप्रेजेंटेशन देना शुरू करी। जैसे हम हिंदी में बोले कि अ ओ का ये रिप्रेजेंटेशन है, ओ ये होता है, सो सो का रिप्रेजेंटेशन ये है, अगर हम रो रो का रिप्रेजेंटेशन ये है, कि अगर हमें राम लिखना है तो हम राम ऐसे लिखेंगे, ये रिप्रेजेंटेशन है, राइट। सो ऐसे लोगों ने साउंड्स को अक्षर देने शुरू करे, कि जैसे यहाँ पे देखो ये है, इसका मतलब है से कुर ई मा। ठीक है, अगर कोई ये लिखा है, ये साइन बनाया है किसी ने, सो उसको हम माँ प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, सो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा, मैंने काफ़ी डीपली समझा दिया आप तो। ठीक है, देखो जो फर्स्ट मेसोपोटामियम टैबलेट्स थी वो अराउंड 32 BCE के अराउंड लिखी गई थी, जिसमें लगभग 5,000 लिस्ट थी, ऑक्सन, फिश, ब्रेड, लोव्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा के। देखो जैसे हम हिंदी में लिखते हैं, तो अगर हमें लिखना है कबूतर और बकरी, ठीक है, सो इस दोनों में जब हम ब लिखेंगे तो ब यही रहेगा, और र लिखेंगे तो र यही रहेगा। ठीक है, बट इधर ऐसा नहीं था। अगर ऑक्सन लिखना है तो ऑक्सन का कुछ और था, फिश फिश कुछ और, ब्रेड अब वो ब्रेड अलग ही है, मतलब ऐसा एक सिमिलर नहीं था, अलग अलग सिस्टम था। ठीक है, सभी का तो इतनी सारी चीज़ों को याद करके रखना टफ था। ठीक है, सो क्लियरली मतलब अब लोगों को लगा था कि हाँ जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बिकॉज सिटी लाइफ हो गई थी तो ट्रांजेक्शन हो रहे थे, तो उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, उनको एक तरीके से लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम में और सारे गुड्स आएंगे, और सारे लोग आएंगे, इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, सो लोगों को लगा कि हाँ लिखना इज़ इम्पॉर्टेंट। सो जैसे मैंने आपको बोला कि टैबलेट्स, अभी मैंने वर्ड टैबलेट्स का यूज़ करा था, तो इसमें वो दवाई वाले टैबलेट्स नहीं है। टैबलेट्स क्या हुआ करता था, देखो उस टाइम पे अब मैंने आपको बोला कि लिखना 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 लिखना, सुबह से मैं लिखना सॉरी सुबह से नहीं बट स्टार्टिंग से मैं लिखना 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 बोल रही हूँ। इस लिखने में लिखना किस में है वो तो आपको पता होना चाहिए। कागज़ तो नहीं हुआ करता था उस टाइम पे, होता था नहीं होता था कागज़, तो उस टाइम पे टैबलेट्स बनाए जाते थे क्ले के। देखो यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोटो है, साफ साफ दिख रहा है आपको। ठीक है, जब इस क्ले को गीला किया तब ये क्ले सॉफ्ट हो जाया करती थी। ठीक है, सो देखो जैसे आपने कभी क्ले तो यूज़ करी होगी, ऑफकोर्स क्ले कैसे होती है, आप उस क्ले में कुछ भी ऐसा लिखोगे, शार्प करोगे, तो वो ऑफकोर्स वो उसमें आ जाता है, राइट। सो वैसे ही इस क्ले, ये वैसे ही क्ले था, बस ये थोड़ा हार्ड हो जाता था, सो इसको थोड़ा जब गीला करते थे थोड़ा थोड़ा उसमें पानी लगाते थे। सो देखो स्क्राइब्स कौन होते हैं, मैं ना बता चुकी हूँ आपको, मैं फिर से नहीं बताऊँगी स्क्राइब्स क्या होते हैं। ठीक है, सो चलो बता देती हूँ। स्क्राइब बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि लिखे हुए मैनुस्क्रिप्ट्स को फिर से कॉपी करते हैं। ठीक है, सो जो स्क्राइब होते थे वो उनको थोड़ा थोड़ा गीला करते थे, और ना उनको ना इस तरीके से साइज मतलब बनाया जाता था कि वो ना एक अच्छे से कंफर्टेबली पकड़ा जा सके उनको एक हाथ में। सो क्या किया जाता था, जैसे आपको पेपर कटर होता है ना, पेपर कटर से उसकी ब्लेड कैसे आगे से ऐसी होती है थोड़ी सी डायगनल, सो यहाँ से आप पेपर काट लेते हो, वैसे ही जो जिससे हम इसमें लिखते थे ना वो भी ऐसे डायगनल ही होता, सो ऐसे कट 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 करके जो उसमें लिखते थे। ठीक है, मतलब उसका सरफेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ कर दिया जाता था, फिर एक जो वेज शेप्ड क्यूनिफॉर्म था उससे इसको काटा करते थे। ठीक है, सो 26 BCE या इसी के पास पास एक लेटर आया क्यूनिफॉर्म का, ठीक है, जो कि सुमेरियन लैंग्वेज में था। ठीक है, सो उस टाइम पे मतलब डिक्शनरीज बनना शुरू हो गए, और ये लैंड ट्रांसफ़र को ना कि हाँ ये लैंड हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसकी ना लीगल वैलिडिटी लोग मांगने लग गए। जैसे आज आप प्रॉपर्टी के कागज़ होते हैं ना, वैसे ही लीगल वैलिडिटी, जैसे कि आपको आपने कभी देखा होगा कि जो लोग सेकंड हैंड कार खरीदते हैं ना, उसमें उसमें एक
कागज होता है जिसमें वो पूरा होता है कि हाँ फर्स्ट फर्स्ट हैंड कैपिटल फर्स्ट हैंड कैपिटल सॉरी फर्स्ट हैंड जो ओनर है वो मैं बेच रहा हूँ, ये सेकंड हैंड ओनर है, ये एक लीगल वैलिडिटी होता था ना, वो लिखा हुआ होता है वैसे ही। फिर अब किंग के क्या क्या डीड्स है, किंग क्या क्या करते हैं, क्या क्या चेंजेस किंग करते हैं, वो सब कुछ जो है नोट करने लग गए थे। ठीक है, सो जो अर्लीस्ट लैंग्वेज थी मेसोपोटामिया की, डैट वॉज सुमेरियन लैंग्वेज। ठीक है, सो जो बाद में 2400 BC आने के बाद बाद यानी कि 200 सालों में ये मतलब अकैडियन लैंग्वेज ने जो है धीरे धीरे इसकी जगह ले ली। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट सेंचुरी तक अकैडियन लैंग्वेज ही यूज़ की गई जो कि लगभग 2000 साल से भी ज़्यादा थी। ठीक है, सिस्टम ऑफ राइटिंग, लिखने का सिस्टम क्या था। अब देखो जो साउंड थी ना वो कोई मतलब सिंगल कॉन्सोनेंट नहीं था या वोवल नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो एम है वो एम का ही साउंड देगा हर जगह, कि जो ए है वो ए का ही साउंड देगा। जैसे अगर आपको मंकी लिखना है तो आप ये लिखोगे, और अगर आपको मिल्क लिखना है तो आप ये लिखोगे। सो इधर के देखो तो के यही है, एम देखो तो एम यही है, राइट। सो यहाँ पर ईजी हो जाता है क्योंकि अगर आपको कोई लैंग्वेज है, कोई वर्ड है नया, तो आप याद कर सकते हो कि हाँ जैसे लिखो देखो मेसोपोटामिया लिखना है तो आपको पता है कि एम मो का साउंड देखो तो एम आएगा। बट इधर ऐसा नहीं हुआ करता था, कोई सिंगल रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ करता था, उसी की वजह से लोगों को ना मतलब ये एक चीज़ याद करना मुश्किल हो जाता था। जैसे यहाँ पर अगर जो मंकी को ऐसे लिखते हैं तो इधर पर मिल्क को लिखना होगा, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ साइन होगा ही नहीं। ठीक है, सो अब देखो अब आपको हर एक वर्ड को इंडिविजुअली याद करना पड़ेगा कि हाँ मंकी ऐसे लिखना है, मिल्क ऐसे लिखना है, मेसोपोटामिया ऐसे लिखना है, ये चीज़ ऐसे लिखनी है। ठीक है, सो उसकी वजह से जैसे आज सिलेबल है, सिलेबल्स क्या होते हैं, जैसे आप कोई भी सेंटेंस बोलते हो, राइट, जैसे मेसोपोटामिया, सो आपने उसको डिवाइड करते हो मेसोपोट और आमिया, राइट। सो आपने तीन सिलेबल बना दिए मेसोपोट आमिया, राइट। बट पहले तो अब जब आपको कहीं भी मिजो लिखना है तो आप हर जगह मिजो की वही स्पेलिंग लिखोगे, और अगर वो कहीं भी आमिया लिखना है तो वही स्पेलिंग लिखोगे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं था। ठीक है, अब सो स्क्राइब्स थे, उन्होंने 100 स्क्राइब्स आने लग गए और अलग अलग चीज़ें, मतलब अब देखो लिखना इतना ज़्यादा मतलब देखो राइटिंग जो थी ना वो मतलब क्राफ्ट की स्किल थी बट इम्पॉर्टेंट भी था। ठीक है, ये एक मतलब इट वॉज एक एन इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। ठीक है, बिकॉज अब हम साउंड को मतलब जो साउंड हम सुनते हैं ना उसको देख सकते थे, उसको पढ़ सकते थे, तो डैट इज़ वाई दिस वॉज लाइक अचीवमेंट। अब देखते हैं लिटरेसी। देखो कुछ ऐसे बहुत ही कम मेसोपोटामियंस थे जो पढ़ सकते थे और लिख सकते थे, हर एक को ये साइंस को मतलब क्योंकि इतने सारे साइंस हुआ करते थे तो सारे ऑफकोर्स इनको याद नहीं कर सकते थे। और ऐसा नहीं था कि जिन लोगों को पढ़ना लिखना आता उनको सारे साइंस पता हो, उन्हें कुछ एक पता थे, ठीक है, मतलब जो कि पढ़ सकते थे। सो बिकॉज इनमें से कुछ तो ऐसे थे कि जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे। ठीक है, सो जो किंग पढ़ लिख सकता था वो तो मतलब फिर नेक्स्ट ही लेवल हो जाता था कि ऊपर से किंग एक से उसको पढ़ना लिखना भी आता, तो फिर वो तो अलग से मेंशन किया जाता था उनके इंस्क्रिप्शन में बोल्ड बोल्ड लेटर में कि ये किंग जो है वो रीड कर सकता था और ये किंग जो है राइट कर सकता था। ठीक है, सो यहाँ पे मतलब अलग अलग चीज़ें जो उस टाइम पर आने लगी, पॉइंट्स वगैरह भी आने लग गई थी। द यूजेस ऑफ राइटिंग, अब लिखने का अब क्यों लिखना है, वैसे तो हमने क्यों लिखना है वो हमने डिस्कस कर लिया, मैंने आपको बता दिया कि लिखा ना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हो गया था, बट स्टिल हम फिर से देख लेते हैं। देखो सिटी लाइफ और ट्रेड का कनेक्शन बिठाने के लिए भी हमें चीज़ें लिखनी है, हमें अर्लीस्ट रूलर के बारे में जो चीज़ें हैं वो याद रखनी है तो भी लिखना है। देखो एक सुमेरियन एपिक पोइम है अबाउट एन मरकार, ठीक है, जो कि बहुत ही अर्लीस्ट रूलर थे कहाँ के, उरुक के। ठीक है, सो मेसोपोटामियन ट्रेडिशन में उकू जो सिटी थी वो उरुक जो सिटी थी वो एक्सीलेंस थी, मतलब उस सिटी पर एक्सीलेंस थी, वो सिटी तो मतलब जो थी वही थी मतलब बेस्ट सिटी, और उसको उसी को नाम दे दिया द सिटी कि हाँ सिटी हो तो ऐसी हो ना तो हो ना। ठीक है, अमरकर वो मतलब ना वो उन्होंने मतलब एसोसिएट करा ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट ट्रेड का सुमेर में। ठीक है, सो अर्ली डेज में ट्रेड वॉज नॉट नोन, मतलब
एक एपिक है जो बोलता है कि ट्रेड वॉज नॉट नोन। जो अमेरिकर थे वो लेपिस लजूली जाते थे। लेपिस लजूली याद है आपको? अभी हमने जो वुमेंस वुमेंस हेड बोला उसमें जो आइस थी और जो आईब्रोज थी वो एपिक लजूली की थी, ठीक है, जो ये काफ़ी प्रीशियस मेटल था, ठीक है। सो जो अमेरिकर थे वो ना सिटी को और ज़्यादा मतलब ब्यूटिफिकेशन करना चाहते थे। सो उन्होंने ना एक मैसेंजर अपना बनाया, ठीक है, और उसको एक एक जगह पे भेजा जिस जगह का नाम था अराटा। मतलब उस मैसेंजर, और उन्होंने उसको ऐसा बोला कि जो मैं मांग रहा हूँ वो अराटा में मिलेगा, तू जाके लेकर आ, ठीक है। सो मैसेंजर क्या कर सकता था, किंग ने बोला तो उसको तो करना ही पड़ेगा। सो रात होती थी तो वो जाता था स्टार से नीचे, कैसा भी हो वो जाता था, चाहे सूरज सर पे हो जैसा भी हो, गया 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 वो माउंटेन रेंजेस में पहुँच गया, ठीक है। और मतलब वो माउंटेन रेंजेस से नीचे जा रहा है, वो ऊपर चढ़ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। और सूसा के जो लोग थे ना, सूसा इज़ अ सिटी, सो वो माउंटेन से उसे सल्यूट करते थे लाइक टिनी माइस, छोटे चूहों की तरह। सो यहाँ पे छोटे चूहे हैं उसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मैसेंजर जो था ना वो इतनी हाइट पर चढ़ जाता था कि जो लोग हैं फार बिलो इन द वैली वो ना उसको इतने छोटे छोटे लगते थे, ठीक है। उन्होंने 5 माउंटेन रेंजेस, 6 माउंटेन रेंजेस, 7 माउंटेन रेंजेस वो क्रॉस करता जाता था। बट होता क्या था ना कि जब वो पहुंचता था ना वो भूल जाता था, बिकॉज इतना सब कुछ वो करता था ना तो उसके अंदर का सब कुछ मतलब मिक्स हो जाता था, उसको याद नहीं रहता था क्या क्या लाना है, ठीक है। सो उसको मतलब वो अराटा की चीफ में नहीं गया बिकॉज टू पार्ट विद लैपिस लजूली या सिल्वर। तो उन्होंने ना एक लॉन्ग जर्नी, फिर से वो वापस आए, वो फिर से गए, फिर से भूल गए, फिर से वापस आए, गए भूले गए भूले गए, उन्होंने करना शुरू किया। फिर अब ना जो किंग थे ना उनको लगने लग गया कि यार ये क्या है, क्या कर रहा है ये, और उसको भी ना डर लगने लग गया कि अब जो रुक के किंग है ऐसा ना हो कि डर, अब डर लग रहा है उन्हें, ठीक है। सो अब क्या करता वो, उसके ना सब कुछ मैसेजेस मिक्स हो जाते थे अंदर बिकॉज वो इतना हो जाता था, ठीक है। सो जो एन मर्कर थे यानी कि जो राजा जी थे, उन्होंने क्ले का टैबलेट बनाया और उसमें हर एक वर्ड को लिखा कि इतना ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है, ठीक है। एंड देर हैव बीन नो रिटन डाउन ऑफ वर्ड्स, मतलब उन्होंने ही रो डाउन द वर्ड्स, बट उस टाइम पे वर्ड्स ऐसे लिखे नहीं जाते थे क्ले पे, बट उन्होंने लिखवाए, ठीक है। उन्हें रिटन टैबलेट दिया गया और जो रूलर्स थे, जो रूलर थे अराटा के, उन्होंने उसको एग्जामिन करा उस क्ले को, ठीक है। ही स्पोक अबाउट द नेल्स, सो नेल्स यानी कि मतलब जो वो कुनिफॉर्म लेटर्स थे ना वो नेल्स की शेप में था। सो फिर उन्होंने मतलब उनका फेस अजीब सा हो गया, उन्होंने वो देखते रहे, ठीक है। मतलब उसको इसको ना लिटरल ट्रुथ नहीं मान सकते, ये बस लोगों की कहानियाँ है कि ऐसा ऐसा हुआ था, मतलब ये बस बता रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो गया था लिखना अगर हमें दूर दूर तक मैसेजेस भिजवाने हैं। सो हाँ, दिस इज़ लाइक नॉट ट्रू बट लाइक अ स्टोरी, सो ये सच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और लोगों का ये मानना है कि राजा ने फर्स्ट टाइम जब चीज़ें लिखवाई वो इसलिए लिखवाई बिकॉज ये स्टोरी थी, ठीक है। सो अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया एंड टेम्पल्स एंड किंग्स, देखो 5000 BCE से अब जो लोग हैं ना उन्होंने सदर्न मेसोपोटामिया था वहाँ पे डेवलपमेंट होने लग गई थी, ठीक है। लोगों को दिख रहा था कि अब जो डेवलपमेंट वो काफ़ी हाई लेवल में हो रही है, ठीक है। अर्ली सिटीज थी, उनमें भी कुछ सेटलमेंट्स हो गई, डिफरेंट काइंड्स के टेम्पल्स वगैरह हो गए, वो डेवलप होने लग गए, ठीक है। सिटीज़ में जो फर्स्ट काइंड से वो ऐसे डिस्कस हुए कि जो अर्ली सेटलर्स थे उन्होंने टेम्पल्स को एक ही पर्टिकुलर जगह थी, ठीक है, जैसे विलेज है, विलेज में एक पर्टिकुलर जगह है, सो इस पर्टिकुलर जगह में टेम्पल्स ही हैं, ठीक है। सो इन्हीं टेम्पल्स को बनाते हैं, रीबिल्ड करते हैं, खराब जाते हैं ना, तो उन्होंने रीबिल्ड भी करा, रेनोवेट भी करा, ठीक है। सो जो अर्लीस्ट नोन टेम्पल्स यानी जो सबसे पुराने पुराने टेम्पल्स हैं वहाँ पर मतलब अनबेक ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था। और जो टेम्पल्स हैं, मतलब देखो टेम्पल्स को रेजिडेंस मानते हैं कि गॉड्स जो है वो टेम्पल्स में रहते हैं, जैसे उर के जो मून गॉड है और इराना द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर, ठीक है। इराना मतलब एक ही गॉडेस है लव और वॉर की भी, ठीक है। सो वो ब्रिक्स बनाते थे, टेम्पल्स जो है वो मतलब बड़े बड़े होने लगे जब ब्रिक्स वगैरह बनने शुरू हो गई, ठीक है। सो कार्ट यार्ड्स में काफ़ी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट रूम्स बनने लग गए, टेम्पल्स जो थे वो
भगवान के घर उनको माना जाता था, राइट। सो उनकी भी बड़े बड़े विलेज, वो बड़ी बड़ी दीवारें बन गई और मतलब इंटरवल्स भी हुआ करते थे, ठीक है। सो मतलब कोई भी ऐसी ऑर्डिनरी बिल्डिंग इतनी बड़ी नहीं होती थी जितनी वो, जितने मतलब टेम्पल्स हुआ करते थे, ठीक है। जो गॉड थे वो वर्शिप पे फोकस किया जाते थे, ठीक है। उनको ग्रेन्स लाया जाता था कि भगवान जी को ग्रेन दो, भगवान जी को कर्ड दो, दही दो, उनको फिश दो, ठीक है। इवन जो फ्लोर थे कुछ अर्ली टेम्पल्स के, उनको उनमें ना मछली की हड्डियों की एक बड़ी सी मतलब थिक लेयर जो है वो बनाई गई थी, ठीक है। कुछ ऐसे थियोरेटिकल ओनर्स हैं एग्रीकल्चरल फील्ड के, जो कि फिशरीज हैं और जो लोकल कम्युनिटी हर्डर्स हैं, वो मतलब उनका मेन मानना यही था कि जो है वो भगवान का ही दिया हुआ है, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस थी चीज़ें प्रोड्यूस करने का, जैसे प्रेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, स्पिनिंग, ये सब कुछ मतलब टेंपल में भी होने लगा कि ठीक है चलो टेंपल में ये सब कुछ करते हैं। अब जो एम्प्लॉयर्स थे मर्चेंट्स के, वो लोगों ने रिटर्न रिकॉर्ड लिखना शुरू करा कि हाँ आज मैंने इनको इतना डिस्ट्रीब्यूट करा है, ठीक है, आज मैंने उनको इतना ग्रेन बांटा है, आज इतने जानवरों को फ्लो बनाया, इतना ब्रेड, बियर, फिश, इन सब कुछ का जो है ये लोग वो रखने लगे, ठीक है। नेचुरल फर्टिलिटी के अलावा एग्रीकल्चर ना, जब मतलब नेचुरल फर्टिलिटी नहीं होती थी तो एग्रीकल्चर बहुत ही ख़राब था, उसमें आ जाती थी, बिकॉज एक नेचुरल आउटलेट चैनल था यूफ्रेट्स का, ठीक है, क्योंकि एक साल में काफ़ी पानी हो जाया करता था और क्रॉप्स में ना कभी कभी मतलब फ्लड आ जाया करता था, ठीक है। सो जिसकी वजह से भी जो है मतलब ऑल टुगेदर समटाइम ऐसा लगता था कि चेंजेस जो है वो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। जो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि जो मेसोपोटामियन हिस्ट्री है उधर पीरियडिकली रिलोकेट की जाती थी चीज़ें, ठीक है, और उसमें जो है मैन मेड प्रॉब्लम्स भी हुआ करती थी। देखो रीजन ना, रीजन में यहाँ पे मतलब कॉन्टीन्यूस वॉरफेयर था, लड़ाइयाँ वगैरह मतलब होती रहती थी। ऐसे काफ़ी चीफ्स थे जो कि सक्सेसफुल थे लड़ाइयों में, तो वो अपने फॉलोअर्स को मतलब जो भी लूट है वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट वगैरह कर दिया करते थे, और अगर हार होती थी तो क्या कर सकते, फिर सर्वेंट बनो, गार्ड बनो, यही करना पड़ता था। सो जो विक्टोरियस चीफ्स थे उन्होंने भी मतलब जो उनकी जो प्रेशियस बूटी है, यहाँ पे बूटी का मतलब है जो उनके प्रेशियस वो खजाना है, वो मंदिरों में चढ़ाना उन्होंने शुरू करा। फाइन फाइन स्टोन्स उन्होंने मंदिरों में चढ़ानी शुरू करी। इस टाइम मतलब मंदिरों का जो है वो वेल्थ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, ठीक है। अब जो विलेजेस थे उन्हें भी लग रहा था, उन्हें भी पता चल रहा था, ठीक है। सो जो सबसे अर्लीस्ट टेम्पल टाउन थे ना वो उरुक में ही बने गए थे। सो वहाँ के जो हीरोज़ है और उनके विक्टिम्स हैं उनको बहुत ही मतलब काफ़ी केयरफुल आर्कियोलॉजिकल सर्वे वहाँ पे किया गया अराउंड 3000 BCE, ठीक है, जब उरुक बढ़ने लगा, ठीक है। सो बड़ा तो वो 250 हेक्टर्स तक बन गया था मोहनजोदड़ो के ट्वाइस, ठीक है। सो काफ़ी जो छोटे छोटे विलेजेस है वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए, काफ़ी मेजर पॉपुलेशन शिफ्ट हुआ और सिग्निफिकेंटली जो उरुक था वो डिफेंस वॉल बन गया एट वेरी अर्ली डेट। और देखो कंटिन्यूसली इतना ऑक्यूपाई कर रहा था, सो अबाउट 4200 BCE से अबाउट 400 CE में और 2800 में ये लगभग 400 हेक्टर्स बढ़ चुका था, ठीक है। जो रूलर्स थे वो भी अब इन स्टोन्स को और मेटल ओर्स को कमांड करने की कोशिश कर रहे थे, वो आते थे ब्रिक्स वगैरह बनाते थे और ब्रिक्स जो है वो मंदिरों के लिए भी मतलब लाया करते थे, ठीक है। सो मंदिरों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। ये जो टेक्निकल एडवांसेस थे वो काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं उरुक में 3000 BCE के टाइम पे, ठीक है। सो वुड इतना सूटेबल नहीं था, आर्किटेक्ट्स को हमें इतना पता चल रहा है कि ब्रिक्स के कॉलम्स तो अच्छे थे बट जो वुड है ना वो इतना सूटेबल नहीं था, और जो वॉल्स जो छत होती थी ना वो इतना वेट नहीं सह सकती थी। सो काफ़ी लोग ऐसे थे जो जिन्होंने क्ले के कॉन्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है, अपनी छतों के लिए, और ऐसे स्कल्पचर्स थे जिनको बहुत ही सुपर अचीवमेंट्स मिली है, ठीक है, नॉट इन ईजिली अवेलेबल क्ले बट इन इम्पोर्टेंट स्टोन। सो ये भी एक टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क है हम बोल सकते हैं, ठीक है। पोर्टल्स व्हील वगैरह बना जब अर्बन इकोनॉमी आई, सो लॉन्ग रन में इनका जो है वो मतलब मास प्रोडक्शन के लिए दिस वॉज लाइक प्रिटी गुड। लाइफ इन द सिटी, सिटी में जगह कैसी थी, देखो
सिटी में ना जो बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो कि बहुत ही ज्यादा रिच है, बाकी जो है वो मिडिल क्लास ही थे, मतलब मैक्सिमम मिडिल क्लास थे लोग, ठीक है। और कुछ ऐसे थे जो कि गरीब थे, गरीब, ठीक है, बहुत कम रिच थे, मिडिल क्लास वो लाइक ओके ओके, और गरीबी में भी गरीब इतने कुछ ज्यादा लोग जो है वो गरीब नहीं थे, ठीक है। सोसाइटी में वेल्थ का जो ज्यादा शेयर है वो जैसे मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल सारे मिडिल क्लास ही हुआ करते थे, ठीक है। जो एनोमस रिचेस थे जैसे ज्वेलरी, गोल्ड वेसल, वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और वाइट शेल लेपीज, ये सब कुछ जो ये उस मतलब ये किंग्स के साथ जो है, और जो क्वीन है उरुग में, जो भी क्वीन थी, जब वो मरते थे तो उनके साथ इसको गाड़ दिया जाता था कि उनके आने वाले जन्म में वो साथ देगा, राइट। ऐसा हमने पढ़ा है शायद पुराने बुक में भी, ऐसे ये सब मानते थे लोग कि हम जो भी उनके साथ दफनाते हैं वो आगे आने वाले जन्म में या स्वर्ग में जो है उनके साथ जाएगा, ठीक है। सो मेसोपोटामियन सोसाइटी ना न्यूक्लियर फैमिली की थी मैक्सिमम, या तो मतलब जैसे एक आदमी, उसके पत्नी और उसका सन, ज़्यादा से ज़्यादा उनके मदर फादर, सो ऐसा होता था ग्रैंड फादर, ग्रैंड मतलब मदर फादर और बच्चा, ठीक है। सो ऐसी जो है वो चीज़ें होती थी। तो शादी में वगैरह में क्या क्या करते थे कि जब शादी होती थी तो ब्राइड की मतलब दुल्हन का जो फादर है वो डिक्लेयर करते थे, एक कंसेंट लिख के देते थे कि हाँ हमें ये शादी मंजूर है। और जब शादी होती थी तो ग्रूम्स और ब्राइड्स दोनों की फैमिली में जो है वो गिफ्ट एक्सचेंज किए जाते थे, दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते थे, ठीक है। वेडिंग जब होती थी तो गिफ्ट एक्सचेंज हुआ करते थे, ठीक है, और मंदिर में भी ऑफरिंग हुआ करती थी, ठीक है। जब मदर इन लॉ उनको ले जाती थी तो ब्राइड्स को, ब्राइड को उनके फादर का इनहेरिटेंस मिल जाता था थोड़ा सा, ठीक है, बट फादर का जो हाउस है, हर्ड है, फील्ड एक्सेट्रा है, वो जो है सन्स के पास ही जाता था, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रीट्स जो थी ना वो बहुत ही नैरो नैरो थी, यानी कि बहुत ही पत्ती 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 सीट सी, तो मतलब अगर हमें घर तक चीज़ें पहुँचानी है तो वो नहीं जा पाती थी, तो फिर गधों की याद आती थी, गधों की पीठ में जो है चीज़ें अंदर तक ले जाई जाती थी, ठीक है। हाउस की जो तो प्लॉट्स थे उनकी कोई शेप अच्छी नहीं थी, रेगुलर सभी की शेप थी, और जो कि दिखाता है कि हाँ प्लानिंग की एब्सेंस थी जगहों पे, जो ड्रेन्स और क्ले पाइप्स थे वो नहीं थे, और जो रूप्स है वो ना थोड़े अंदर की तरफ को होते थे, और पानी भी जब अंदर की तरफ को आता था तो ड्रेन पाइप्स थे जो कि सम्स में पानी को फेंक दिया करते थे, ठीक है। सो लोग ऐसे थे जो कि मतलब अपने घर से सीधे लेन में फेंक दिया करते थे सामान। सो मतलब इन चीज़ों की लोगों में कमी थी, मतलब घर वगैरह इतना सब कुछ जो इतना कुछ खास नहीं हुआ करता था, ठीक है। और काफ़ी सुपरस्टिशंस थे, हाँ सुपरस्टिशंस भी थे लोगों के दिमाग में। लोगों का ये मानना था कि अगर आप मतलब अगर आपका जो घर है वो थोड़ा ऊंचा है, मतलब थोड़ी ऊंची जगह पर है, सो इसका मतलब है कि आपके घर पे बहुत पैसा आएगा, बहुत वेल्थ कमाओगे। और ऐसा है कि अगर आप अपने घर का मेन डोर खोलते हो और सामने कोई नहीं है, मतलब कोई घर नहीं है आपके सामने घर के आगे, सो इट मीन्स यू आर वेरी लकी। और ये भी मानना था लोगों का कि जिनका मेन डोर बाहर की तरफ को खुलता, मतलब वुडन डोर जो बाहर की तरफ को खुलता था, वो ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर वुमन जो पति है वो अपनी बहन, अपनी सॉरी पत्नी से बहुत ही टॉर्चर हो रहा है और बस उसको मतलब झेल रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे सुपरस्टिशंस थे लोगों के। और एक टाउन सिमेट्री थी जहाँ पर सभी को उन्हीं वहीं पर दफनाया जाता था, ठीक है, चाहे गरीब हो चाहे जितना अमीर हो, बट कहीं जाके कुछ ऐसे लोग थे जो कि अपने घर के आंगन में या घर के निजी लोगों को जला दिया कर, मतलब उनको वो कर दिया करते थे, दफना दिया करते थे, ठीक है। पेस्ट्रल जोन में कैसी कैसी ट्रेडिंग होती थी 2000 BCE के बाद, जैसे हम यहाँ पे देखे जो मारी है वो सदर्न प्लेन था, ठीक है, और हाईली प्रोडक्टिव था क्योंकि एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा था वहाँ पर बिकॉज ऑफ यूफ्रेट्स, ठीक है। सो ऐसे कुछ कम्युनिटीज थी जैसे किंगडम ऑफ मारी जहाँ पे फार्मर्स और पास्टुरलिस्ट दोनों हुआ करते थे, ठीक है, और ये बेसिकली शीप्स और गोट्स को पाला करते थे या फिर यंग, और यहाँ पे ना बार्टर सिस्टम चलता था। सो ये क्या करते थे, जो छोटे छोटे जानवर होते थे यानी कि जो भी बच्चे होते थे जानवरों के, उनको बेचकर मतलब एक्सचेंज करके बदले में ग्रेन्स, मेटल्स, लेदर, चीज़, ये सारी चीज़ें जो है वो खरीद लिया करते थे, ठीक है। सो ऐसी जगहों पे कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट भी होता था बिकॉज मतलब कहीं ऐसा होता था कि बारिश वगैरह हो जाती थी या नदी नदी पास ही था तो क्रॉप जो है वो बर्बाद हो जाया करती थी, तो लोगों को ये भी कन्फ्लिक्ट होता था कि लोग इस चीज़ की मांग कर रहे हैं बट लोग दे ही नहीं रहे हैं इसको, ठीक है। जो एग्रीकल्चर विलेजेस है और जो सीस है वो काफ़ी गुड्स जो है वो स्टोर करके रखते थे, और
स्पेशलिस्ट को रिवर से एक्सेस करना जो है उनको मना कर दिया गया था। ठीक है, मेसोपोटेमियन हिस्ट्री में जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ है वो वेस्टर्न डिजर्ट फिल्टर से, मतलब एग्रीकल्चर वहीं से उनका आया है ये मानना है लोगों का। ठीक है, और इन ग्रुप्स को हर्डर्स में और हार्वेस्ट लेबलर्स या फिर हाइट शोल्डर्स, कभी कभी ना ये काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेर होते थे और सेटल हो जाया करते थे, कभी कभी ऐसा होता था, और कभी तो ये इतने प्रोस्पेरस होते थे कि ये अपना ही ये रूल बना देते थे, जैसे अकाडियंस, एमोरेट्स, शायरंस और अरामीन्स। सो जो किंग थे हमारी के वो भी अमेरिट्स को बिलोंग करते थे, जो कि मतलब नॉर्मल लोगों से अलग ड्रेस हुआ करते थे वो, ताकि पता चले कि हाँ ये तो राजा है। ठीक है, ठीक है, जो हर्डर्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स के थे, वो मतलब वो किसी भी किंगडम में जा सकते थे, उनको अलाउ था, बट उन पर ना नज़र रखी जाती थी। ठीक है, जो कैंप्स थे हर्डर के वो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं फ्रीक्वेंटली लेटर्स में। सो बेसिकली ये जो हर्डर्स होते थे ना, ये क्या क्या करते थे ना, ये ना किंग्स को लेटर लिखते थे और उसमें बताया करते थे कि क्या क्या चीज़ें, तो उनको ऐसा बोलते थे कि ऐसा लग रहा है कि रोज़ मतलब फायर सिग्नल होता है ना, रात में फायर सिग्नल भेजे जाते हैं, सो ऐसे फायर सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि शायद रेड पड़ जाए या फिर अटैक हो जाए। ठीक है, अटैक प्लान हो रहा है, सो ये सारी चीज़ें जो ये बता दिया करते थे हर्डर्स लेटर के थ्रू, किसको, किंग को। ठीक है, सो यूफ्रेट्स में लोकेटेड थी एक प्राइम पोजीशन ट्रेड के लिए, जहाँ पे वुड, कॉपर, टिन, ऑयल, वाइन और डिफरेंट डिफरेंट अदर गुड्स जो है वो मतलब एक्सचेंज किए जाते थे। ठीक है, सो बिटवीन साउथ और जो मिनरल रिच अपलैंड है टर्की, सीरिया और लेबनान का, सो मारी काफ़ी अच्छा एग्जांपल था, बिकॉज वो एक अर्बन सेंटर बन चुका था और प्रॉस्पेर हो रहा था। ठीक है, ट्रेड के लिए सो बोट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बोट्स का यूज़ किया जा रहा था चीज़ों को ट्रांसफ़र करने के लिए सर्टेन सिटीज़ में बेसिकली ले जाने के लिए। बट ये जो कार्गोस थी ना, इनको मतलब ध्यान रखा जाता था, इन पे इनको चेक किया जाता था कि इनमें क्या क्या चीज़ आ रही है, और उसका जो भी वन टेंथ हुआ करता था वो ये लोग ले लेते थे एज रेवेन्यू बोल सकते हो, या फिर मतलब वैल्यू उनका ले लिया, एक वन टेंथ वैल्यू ले लिया करता था एज अ चार्ज। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो टैबलेट्स है, ये कॉपर से आते थे, फ्रॉम कॉपर के होते थे, फ्रॉम अलीशिया, ठीक है, जो कि साइप्रस का एक आइलैंड है, सो जो कि कॉपर के लिए और टिन के लिए जो है इन चीज़ों का जो है ट्रेड सबसे ज़्यादा वहाँ पर किया जाता था। सिटीज़ कैसी थी मेसोपोटामियन कल्चर में, देखो जो जो मतलब मोस्ट पॉइंट रिमाइंडर है वो ये है कि जो मेसोपोटामियंस है ना वो सिटीज़ में देखते थे एट द मतलब देखो जब गिलगमेश एपिक का एंड हुआ तो उन्होंने ना 12 टैबलेट्स में अपना दुख लिखाया, बिकॉज उनके बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो चुकी, मतलब उनके काफ़ी मतलब जो एनमरकार थे जिन्होंने जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, सो उनके जब एक हीरोइक फ्रेंड की डेथ हो गई, सो वो बहुत ही शॉक में थे और उन्होंने ना हर चीज़ का ये कर दिया कि एक ऐसा सीक्रेट वो बाहर निकालेंगे जिससे इमोर्टैलिटी हो जाए, यानी कि कोई मर ना सके, अमर हो जाए। बट जो गिलगमेश थे वो फेल हो गए, फिर से उरुक में आ गए और उन्होंने खुद को कंसोल करा कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, सिटी वॉल की तरफ गए बैक एंड फोर्थ, मतलब वो खुद को जो है अपने साथ जो है वो टाइम स्पेंड उस टाइम करते थे। ठीक है, जो गिलगमेश थे वो कुछ नहीं बोलते थे, उन्होंने बस इतना बोला कि जब वो मर जाएंगे तो उनके जो सन्स हैं वो उनके तख्त में बैठेंगे, उसके बाद उनके सन, और उन्होंने ये जो है हायरार्की या फिर आप बोल सकते हो कि आगे आने वाले जो बेटे होंगे उनका वो करेंगे। ठीक है, लेगेसी ऑफ राइटिंग, यहाँ पे देखो 1800 BC के बाद जो टैबलेट्स थे ना उधर हमें देखने को मिलता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किए गए हैं, स्क्वायर रूट, स्क्वायर माइनस रूट, ये सारे टेबल्स वगैरह हमें देखने को मिले, कंपाउंड इंटरेस्ट लोगों ने निकाला है। ठीक है, और उन्होंने बोला कि 2 का जो स्क्वायर रूट है वो ये होगा, ये उन्होंने ऐसी चीज़ें बताई। उसके बाद यही लोग थे जिन्होंने हमें बताया कि एक साल में 12 महीने होंगे और एक महीने में जो है वो एक दिन में 24 घंटे होंगे, एक घंटे में 60 मिनट होंगे और एक मंथ में 4 वीक्स होंगे, ये सारी चीज़ें हमें मेसोपोटामियंस के थ्रू ही पता चले। उसके बाद सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सारी चीज़ें इन्होंने ही हमें बताया है कि
ईयर कैसे होंगे, मंथ कैसे होंगे, डे कैसे होंगे, सब कुछ यही बताते थे। फिर जो नाइट स्काई में हम कॉन्स्टिलेशंस करते हैं ना, यानी कि तारों की पोजीशन को ऑब्जर्व करके चीज़ें बनाते, ये सब कुछ भी जो है इन्होंने हमें बताया था। ठीक है, सो डैट इज़ इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर एज वेल। सो देखो चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है 11th क्लास के। तो यहाँ पे देखो ना, देखो कि हमारे पास टाइम लाइन भी दी हुई है बुक्स में। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। एंड द अपकमिंग वीडियोज आर ऑल्सो गोना बी डार्क मच ओली इंटरेस्टिंग, सो मेक श्योर यू वॉच देम एज वेल। सो यस, थैंक यू वेरी मच।